गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे को उठाते हो ना रोज रोज, ये होता है सुबह सुबह लाइट जलने का मतलब है, पता चला? गुड मॉर्निंग, मतलब अच्छे से नींद पूरी कर ली है। एक दिन तो जल्दी उठने से क्या होता है आपके? नहीं, मैंने अलार्म को सरप्राइज दे दिया। आज मैं वेट कर रहा था, 5 मिनट पहले उठ गया, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने कहा अलार्म रुक, तेरे को जैसे बजा बजते ही बंद कर दिया फटाक से। एक दिन सुनाई दिया आपको, रोज उठा करो तो इस टाइम पे। अब रोज नींद आ जाती है 4:30 बजे, और 4:30 बजे का मुझे कर रखा है परेशान, नींद तो आ नहीं रही है ना। तो 4:30 उठा था लेकिन अंधेरा ज्यादा था, मैंने कहा अब एक्सरसाइज करें तो भी क्या, अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, मेरे को करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और ठीक होना भी चाहिए। तो आज एक नई शुरुआत, नए दिन की नई शुरुआत, नई सुबह के साथ। पानी की बोतल दे दो, पानी गर्म कर, पानी की बोतल दे देता हूँ और चाय बना के लेके आ जाओ। गुड मॉर्निंग, और नई सुबह की शुरुआत हो गई है, और मेरी शुरुआत सबसे पहले उठते ही होती है पक्षियों को पानी डालना, और बहुत ज़रूरी भी है वो। मतलब वैसे ऑलरेडी भरा हुआ है, सुबह सुबह पक्षी अब आने लगेंगे, उनका भी एक शेड्यूल होता है कब पानी पीना। ओहो, मतलब पानी डालते ही आवाज़ें स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही प्यारी प्यारी पक्षियों की। मतलब गांव का व्यू तो बहुत ही निराला होता है। और अब मैं करने वाला हूँ एक्सरसाइज, तो जुड़े रहिए। और एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे स्ट्रेचिंग, जो कि आप नॉर्मल अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट करके कर सकते हो। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेचिंग से पूरा शरीर खुल जाता है। इससे भी पूरा शोल्डर खुल जाएगा, तो एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से आप वर्कआउट कर पाओगे। उसके बाद ये वाली, उसके बाद आपको कि तू कितनी लगा था, 30 मीटर लगाई तूने। एक्सरसाइज करते हैं जूते पहनना जरूरी होता है, बट आज फर्स्ट डे है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं उठक बैठक लगाने वाला हूँ, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पोजीशन ये रहनी चाहिए बिल्कुल हाथों को यहीं पर रखे, 8। और आपको पूरा नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, यहाँ तक ही, मतलब पूरा यहाँ पे वेट आना चाहिए पैरों पे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और ये एक्सरसाइज लगाते हुए मतलब घुटने भी आगे नहीं जाने चाहिए, आप बिल्कुल अंगूठे के ऐसे कवर करना चाहिए, मतलब पूरा शरीर ऐसे कवर करके फिर उठक बैठक लगानी चाहिए। और अब इसके बाद में लगाने वाला हूँ पुशअप्स, और अभी फाइनल लास्ट में सबसे पुशअप्स। तो मैं फोन को यहाँ रख देता हूँ, आपको 30 टाइम पुशअप्स लगानी है, फर्स्ट डे है तो ज़्यादा नहीं लगाऊंगा क्योंकि
आपको प्रॉपर तरीके से ना तो यूं करना, हाथों को ना ऐसे फैलाना, बस प्रॉपर चेस्ट के यहाँ तक जाए एकदम टच में, और फिर एक सपना और वर्कआउट करने में मात्र आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, और ये आप इजीली मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी ये टाइम निकाल सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और आप मेंटेन भी कर पाओगे। जो पतले हैं वो भी मोटे हो जाएंगे और जो मोटे हैं वो भी फिट हो जाएंगे। तो इसी के साथ कंटिन्यू हमारे ब्लॉग देखते रहिए, और आपको नई नई वर्कआउट का वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और इसी के साथ इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। आज पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से और सारे मोमेंट शेयर करने वाला हूँ, तो देखते रहिए। मेरा चाय नाश्ता रेडी है। वैसे मैं नाश्ता तो नहीं करता हूँ सुबह सुबह, नाश्ते का तो पूरा डिपार्टमेंट खुशी को ही दे रखा है, और खुशी का आज नाश्ता स्पेशली है चूरमा, जो कि नानी ने मेरे लिए बनाया था, लेकिन मैं बहुत कम खा रहा हूँ क्योंकि हेल्थ मेरी बढ़ रही है, मतलब वेट ज़्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ घी चूरमे को। मीठा खाने से हेल्थ आपकी ज़्यादा बढ़ती है, और चटपटा ज़्यादा खाने से आपकी हेल्थ ज़्यादा नुकसान करती है, तो आपको हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। और मेरी चाय आ चुकी है, और इस चुस्की के साथ चाय का आनंद लिया जाएगा, और चूरमे का आप तो ले रहे हो चूरमे का। चाय तो अच्छी बनाई, वैसे घर की चाय तो मजा आ जाता है, घर की चाय चाय होती है। अब ये चाय पूरे दिन मिस करता हूँ, मतलब बाहर चाय पीते हैं लेकिन इतनी मत टाइम पास वाली चाय मिल जाती है, और इसी के साथ ब्लॉग को कंटिन्यू रखने के लिए बोला है मैंने, मेरा कंटिन्यू रहेगा। हाँ, आपका कंटिन्यू रहेगा पूरे दिन भर, ठीक है, लगे रहो, कोई नहीं ज़्यादा मोटे हो जाओगे, एक्सरसाइज में ही करवाने वाला हूँ। सब फैंस को पता है तो मैं क्यों ज़्यादा खाती हूँ। अच्छा तो सरप्राइज है, जल्दी मिलेगा। और पूरे दिन से मतलब गर्मी थी, तो दोपहर में रेस्ट करने के बाद ये रूम का हाल आप देख सकते हो, कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं, और खुशी अब लग रही है समेटने के लिए, पूरे दिन से कपड़े पड़े थे। दोपहर में मैंने कहा दोपहर में तो क्या बोले आप सो रहे थे, रेस्ट करने दो। दोपहर में तो लाइट ही नहीं थी, कहाँ से रेस्ट, फिर लाइट आई तो फिर मैं सो गई। और अभी ठीक है, अभी अब टाइम मिल गया, अब टाइम मिल गया। बाहर गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब गर्मियों का दिन है तो गर्मियाँ तो पड़ेगी, और पड़ क्या रही है, गर्मियाँ तो धीरे धीरे बढ़ेगी, और ओए होए जैसे और यहाँ पे चल रही है शादियाँ, तो आपको घुमाएंगे शादी के अंदर भी, और ब्लॉग को रखते हैं कंटिन्यू। और अभी मैं शादी से घर पे लौट चुका हूँ, और खुशी तो मतलब बहुत ही मिस कर रही थी कि मेरे को नहीं लेके गए, और अभी मैं शादी अटेंड करके घर पे आ चुका हूँ, और अब इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो आप लोग देख ही रहे होंगे आज ये शादी में जाके थोड़े से भाव बढ़ गए हैं। भाव नहीं बढ़े मेरे, थोड़ा सा शादी में जाते हैं तो हल्का फुल्का थोड़ा ज्यादा ही खाना पड़ता है, खाना क्या पड़ता है, थोड़ा सा खा ही लेते हैं तो कम खाते हैं ना, अब कम फिर धुता नहीं छोड़ सकते ना, फिर अब एक एक आइटम अगर ले लिया प्लेट में तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने का अपमान तो कतई नहीं करना चाहिए, जला रहे हैं। जेल में खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था, मतलब हलवा ही बहुत ही अच्छा था, और खाने को प्रॉपर तरीके से मतलब अच्छे से हर चीज़ पकाई हुई थी, हर चीज़ मिठाइयाँ भी बहुत प्रॉपर तरीके से बना रखी थी। हर शादी में खाना अच्छा ही होता है। हाँ। क्योंकि एक बाप की मेहनत लगती है उसमें, तो वो खाना अच्छा ही होता है सर। और वैसे मैं कुछ ज्यादा सूट नहीं कर पाया, वैसे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सेटअप कर रखा था,
सिर्फ एक ही क्लिप ली है आपने और खाने में बिजी थे और खाने में बिजी थे ओ माय गॉड ये लाइट गई और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त।